सर क्या नाम है? मेरा नाम अरुण बजाज है और मैं हूँ, उसके अलावा मानव सेवा समिति का चेयरमैन हूँ, रोटरी ब्लड बैंक में भी पैटर्न हूँ और भी अन्य कई संस्थाओं में मैं कार्य करता हूँ। इस तरह का आप मैनिफेस्टो चाहते हैं शायद? मेरा तो ये मानना है कि फरीदाबाद में वैसे तो अभी पिछले 5 साल में काफ़ी काम हुआ है, पर कुछ काम अभी भी होना बाकी है। जैसे मैं क्योंकि एक लघु उद्योग भारती को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो लघु उद्योगों में भी अभी कुछ हमारी कुछ डिमांड है, जैसे नॉन कन्फर्मिंग एरिया को रेगुलाइज करना, तो एक उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25,000 यहाँ पे फरीदाबाद में यूनिट हैं जो ऐसी एरिया में चलती है। यदि वो हो जाता है तो उसको मूलभूत सुविधाएँ हैं, बाकी और कई चीज़ों में उनको फ़ायदा हो सकता है, इस पर काम होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो फरीदाबाद में सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं जो आम नागरिकों के लिए मैं समझता हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, वहाँ पे बड़ा अभाव है। जो यहाँ पे एक जो प्लांट भी है वो भी नहीं चल पा रहा है प्रॉपर, तो उस पर कोई ना कोई नीति लानी चाहिए जो भी आने वाली सरकार को। और उसके ऊपर मैं तो ये कहता हूँ कि एक वो बोलते हैं कि भाई ठीक है राज्य सरकार का काम है, परंतु ये जो नरेंद्र मोदी जी है उनको स्वच्छता हमारी जो डिमांड, और उम्मीद करता हूँ कि जो उनके जो विषय बात करें जिम्मेवारी महसूस करें, वोट जरूर देना चाहिए। कहीं घूमने फिरने जाना है तो आगे पीछे भी एक दो दिन आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी जाना है 7 बजे वोट डाल के चले जाओ, मैं तो ये कहता हूँ। मैं अभी किसी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी कल, वो मेरे को बोल रहा है, तो मैंने तो कहा उनको कि भैया बिल्कुल मत जाना, और तुम 7 बजे वोट डाल के चले जाओ ना, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी जाना है। तो ये एटलीस्ट एक ये भी वोट प्रक्रिया है, वो मैं ये कहता हूँ कि सतत प्रयास करने की और जागरूकता फैलाने की बात है, और वोट अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से देश सेवा है, यह मेरा मानना है।